What's up guys, this is Guru Mann. आज क्विकली आपको एक स्मॉल अपडेट देने जा रहा हूं. आपने टाइटल तो आपने पढ़ लिया है, उसके बारे में क्विक बात करते हैं. So, जैसा कि जून के महीने के अंदर मैंने जो 4 pounds गेन किए हैं 4 weeks के अंदर, उसके बारे में क्विक बात करते हैं. पहले आपको बता दूं जो गेन किए हैं वो क्यों किया है, उसके बाद आप किस तरह से गेन करेंगे, क्विक इंफॉर्मेशन. जी हाँ, मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं मसल बिल्डिंग का इस महीने, मतलब जुलाई के लास्ट में उसका वो प्रोग्राम आ जाएगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर. और उसकी जो पोस्ट है वो कुछ दिनों के अंदर मेरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा. मैं आपके लिए एक मसल बिल्डिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ. एक डिफरेंट टेक्निक है, एक डिफरेंट रेंज है वॉल्यूम की. इट्स हैवी ट्रेनिंग ऑफ कोर स्ट्रेंथ, बट यहाँ पर हम फैस्ट ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन कर रहे हैं. उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के दौरान मैंने एक महीना उस प्रोग्राम को टेस्ट किया है, न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट कंबाइन करने के बाद. ऑफकोर्स आई गेन 4 pounds ऑफ मसल. तो वही प्रोग्राम आपके लिए बनाया है. और जो प्रोग्राम आएगा, हो सकता है आप ज्यादा गेन करें. देखो, मेरा इस स्टेज के ऊपर, हालांकि मेरा गोल नहीं, आई डोंट गेन दैट मच वेट. इस समय मेरा वेट 201 pounds के पास है. इसका मतलब मेरा मोस्टली वेट 197 के पास, 96-97 और 98 के पास रहता है ईयर राउंड. मतलब 88 किलोग्राम बनता होगा, 88 किलोग्राम वेट होता है. इस समय मेरा वेट 90 से थोड़ा सा ज्यादा, 90 किलोग्राम के पास है. मतलब 2 kilos आप बोल लो गेन किया है, जो कि सही तरीके से गेन किया है. बिकॉज मैं चाहूं तो 10 pounds गेन कर लूं, 15 कर लूं, इट्स ऑल यू गोना ईट मोर. Formula is going to be going to eat more. Lekin the satisfaction is very important. I think I'm satisfied the number I got, and that's something I can maintain. And at this age of around 37-38 ke paas, it's good and something. This is what I want basically. So basically jo maine 4 pound gain kiya hai, ye nahi ki mere bicep ke size bada ho gaya. Aap jo dekh rahe hain size, almost ye mostly fuller hai. Fuller, it's full. मतलब है कि अक्सर मैं कार्ब को कम खाता हूँ, ज़्यादा खाता हूँ. यू कैन से साइकिल इन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. इस बार मैंने थोड़े से टेक्निक अलग तरीके से न्यूट्रिशन के अंदर अप्रोच की है, तो जिससे कंसिस्टेंट गेन किया है और आई फील फुलर. स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट थी इसके दौरान. क्योंकि मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग का, बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. उसके अंदर रेस्ट भी काफ़ी है, मतलब रेस्ट ले रहे हैं आप. और रेस्ट डे के अंदर मैं एक्चुअली ज़्यादा मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं की. ऑनेस्टली 3 to 4 days मैक्स वेट ट्रेनिंग थी, और बाकी 1-2 days मैं कार्डियो एब्डोमिनल ट्रेनिंग उसको करता रहा हूँ. मतलब मसल ट्रेनिंग की जगह मैं फोकस करता रहा हूँ स्मॉल एरोबिक काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्विमिंग हो गई एक्सेट्रा. तो जो प्रोग्राम है वो जल्दी आपके लिए एंड ऑफ जुलाई में आएगा. उसका न्यूट्रिशन प्रोग्राम, वर्कआउट प्रोग्राम, उसका क्या नाम है प्रोग्राम का बता ही देता हूँ. बारबल 55. जी हाँ, बारबल 55 प्रोग्राम का नाम है. और इसकी पोस्ट अभी 1-2 days के अंदर हम जल्दी डाल देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर. तो आपका अगर गोल है टू गेन मसल, वो प्रोग्राम 55 डेज चलेगा, मतलब 2 महीने का एस्टिमेट. तो आप इजी जो है 8 pounds तो गेन करेंगे. मतलब अगर मैं उसको दो महीने फॉलो करता हूं, तो आई कैन गेन 8 pounds easily, because that's the best number you can gain. Anybody can gain this number, 1 pound per week. 2 pound, 3 pound, 4 pound per week is not easy. You have to eat a lot of food, you have to lift heavy weights, of course. Recovery is very important. And top of that, kabhi kabhi fat storage ke chances bhi badh jate hain. Agar aap underweight hain, ya aapka weight average hai, to koi dikkat nahi hai. Lekin agar aap pehle hi fat zyada carry kar rahe hain, और अब उसके दौरान यू माइट लुक मोर फैटी, अगर ज्यादा आप गेन करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज इफ योर बॉडी फैट इज लेस, इफ यू आर लीन, इफ यू आर स्किनी, देन देयर इज नो इशू. बिकॉज यू मोर यू गेन, यू नॉट गोना गेट फैट दैट फास्ट. लेकिन अगर आप ऑलरेडी मोर ज्यादा बॉडी फैट कैरी करते हैं, तो आपको ध्यान से गेन करें ज्यादा गेन करने के चक्कर में. क्योंकि साल के अंदर 52 pounds अगर गेन करना हो 52 weeks के अंदर,
तो दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे. अगेन आप सोचकर देखें, एक पाउंड हफ्ते के अंदर. सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि मेरा नया जो प्रोग्राम आ रहा है उसको मैंने किया है टेस्ट अपने ऊपर, न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट. हालांकि आई एम 6'1" टॉल और मेरी न्यूट्रिशन मेरी एज हाइट के अकॉर्डिंग थी. और जो आप है आप अपनी न्यूट्रिशन अपनी एज और हाइट के अकॉर्डिंग उसको शफल कर सकते हैं न्यूट्रिशन प्लान को जब जो प्रोग्राम आपके लिए आएगा. और सो दैट्स अ क्विक अपडेट. आई गेन 4 pounds इन 4 weeks एंड दैट्स अ सॉलिड मसल. And I would love to maintain it, you know. I don't want to go more. I don't want to go less. I'm okay with this number. And jab shoots aayenge, mere photo shoot aane wale hain August ke andar. Main India mein aa raha hu, India trip ke baad. Mere photo shoots hai back to back 3 or 4. Aur uske dauran main I might try to lose those 3 to 5 pounds to get the lowest body fat shoot ke liye jo temporary hoti hai basically. But I'm fine. I have 7.5% body fat, 200-pound weight, which is fine. I love it and I can maintain it. Take care, guys. Aapke liye Barbell 55 jaldi aayega, aur you guys will love the program and definitely you guys will get the results. Chaliye, take care. Barbell 55 ka intezar karte hain. End of July. I love you all. Bye.